यार बहुत हो गई शाहरुख खान के कमबैक और स्टारडम की बात। अब बात करते हैं बॉलीवुड के दूसरे कमबैक किंग की, यानी कि सलमान खान की। यार ये बात है उस समय की जब बॉलीवुड में अगर कोई मूवी 100 करोड़ पार कर देती थी तो वो मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती थी। लेकिन उस दौर में सलमान खान वो पहले एक्टर थे जिनकी मूवी ने 200 करोड़ पार किया था। यानी कि ये जो 200 करोड़ का क्लब स्टार्ट किया था वो सलमान खान ने किया था। और उस समय शाहरुख खान की कोई भी मूवी 100 करोड़ पार नहीं कर पाई। उस दौर में सलमान खान की कई मूवीज फ्लॉप हो गई थी और उसके बाद सलमान खान ने वांटेड के साथ अपना कमबैक किया और वांटेड ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। और उसके बाद तो सलमान खान ने मानो मुड़के ही नहीं देखा, यानी कि बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर देने का रिकॉर्ड बना दिया, जैसे कि बॉडीगार्ड, किक, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, मतलब यार ब्लॉकबस्टर की तो लाइनें लगा दी उन्होंने। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान का एक दौर ऐसा आ चुका है जिसके चलते उन्होंने 4 साल का गैप लिया था। अब वही हाल सलमान खान का भी है, यानी कि उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, लाइक ट्यूबलाइट, रेस 3, राधे। इन सभी मूवीज का परफॉर्मेंस वैसा नहीं था जो कि सलमान खान के स्टारडम को जस्टिफाई करता था। लेकिन यार जो भी मेरी तरह सलमान खान के फैंस हैं वो ये भी जानते हैं कि भाई जो बोलते हैं वो तो वो करते हैं और जो वो नहीं बोलते वो भी वो करते हैं। यानी कि एक बार फिर से उनके कमबैक को देखने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि सलमान खान अपना कमबैक करने जा रहे हैं टाइगर 3 के साथ, बॉक्स ऑफिस बूम। और यार देखो मतलब दूसरे हीरोज का क्या होता है कि उनको टीजर, ट्रेलर ये सब अपलोड करना पड़ता है अपनी मूवी का हाइप बनाने के लिए। लेकिन सलमान खान का स्टारडम इतना है कि वो बस एक पोस्टर रिलीज करते हैं तो उतनी हाइप हो जाती है जितना कि ट्रेलर और टीजर भी ना दे सके। और तो और रूमर्स ये भी है कि अपने जो वॉर वाला कैरेक्टर है यानी कि कबीर, वो भी टाइगर 3 में दिख सकता है। अब यार देखो रूमर्स की जो बात होती है ना उसमें झूठ भी हो सकता है, बट इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, क्योंकि पठान वाली मूवी में हमने देखा था कि टाइगर जो थे उनका लास्ट में कैमियो था। तो हो सकता है कि टाइगर 3 में 2 लोगों का कैमियो, एक पठान का कैमियो तो फिक्स है ही, साथ ही साथ कबीर का भी कैमियो हो सकता है। और यही बात टाइगर 3 को पठान से ज्यादा हाइप क्रिएट करके देता है। अब यार देखो मतलब इस फिल्म को रिलीज होने में अब कुछ 2 महीने बाकी हैं, तो हो सकता है कि आखिरी महीना यानी कि नवंबर में इनका टीजर, ट्रेलर या फिर जो कुछ भी है वो सारा कुछ रिलीज हो सकता है। और हाइप की चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक पोस्टर से जब पूरा सोशल मीडिया पागल हो सकता है तो सोचो जब इसका टीजर ट्रेलर आएगा तो क्या हालत होगी। और यार जैसे कि आप सब जानते हैं कि पठान और वॉर से इसका सीधा कनेक्शन है, यानी कि ये एक यूनिवर्स है, तो यही बात टाइगर 3 के हाइप को और भी ज्यादा बढ़ाती है। खैर दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हो टाइगर 3 के लिए कमेंट में लिखना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।